बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू सॉल्यूशन टू फिक्स। आज मैं इस वीडियो में आपको टोयोटा यारिस के पिछले बम्पर रिमूव करके बताऊंगा कि उसके बम्पर के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। जैसे कि ये मैंने राइट साइड से स्टार्ट किया है, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि बम्पर एडजस्टर्स होते हैं, एग्जास्टर होता है और मड फ्लैप और मड गार्ड जिसे हम कहते हैं वो अवेलेबल होते हैं। ये लेफ्ट साइड का कंट्रोल दिखाया है आपको, मैं आगे जाकर भी दिखाऊँगा। ये लेफ्ट साइड कार है जिसमें बम्पर एडजस्टर्स हैं, एडजस्टर है, मड फ्लैप है, मड गार्ड है। और मूविंग एट द बैक इसमें सेंसर वायर नज़र आ रही है, इंपैक्ट सेंसर एक बैक पे होता है। ये मैं आपको क्लोज लुक दी है, ये क्रैश और इंपैक्ट सेंसर से कहते हैं। ये नीचे आपको मफलर नज़र आ रहा है जो स्पून एंड वन मफलर की कॉपी ने करने की कोशिश की है। इस गाड़ी में 14 इंच के टायर रिम आता है और ये आपको ऊपर नज़र आ रहा है कि जो इसकी क्रैश वायर है वो बॉडी के अंदर से बाहर आ रही है। ये टोयोटा यारिस का बैक था विदाउट बम्पर। मज़ीद वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून रहें। अगर आप नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आने वाले वीडियो में आपको जो 6 वेरिएंट्स इसके टोयोटा यारिस के आते हैं उनको मैं आपको इसके लिए रिव्यू लेके आऊँगा। हर वेरियंट को मैं डिस्कस करूँगा कि किस वेरियंट में क्या चीज़ें हैं, किस में क्या नहीं है। अगर वैसे तो यारिस लेनी नहीं चाहिए क्योंकि ये अप टू दी मार्क नहीं है, लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा है और फिर भी आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो आपको मैं इसमें थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर दूंगा कौन सा वेरिएंट आपके लिए बेस्ट रहेगा। तब तक के लिए अपना और अपने लोगों का ख्याल रखें। शुक्रिया।